मुझे बहुत मारा, मुझ में इतने लठ मारे गए कि अब बचना मुश्किल है। हमको इतनी लठ दाए, किसने किसने मारा? उसी तो मारा देखो ये काले साहब, इनने मारा। इनने कौन कौन नाम का? नाम नहीं जानते हैं। अब शाम तक बच जाए तो मुश्किल है। इलाज करा लिया। ये शब्द एक व्यक्ति के थे जो दाबोह थाना पुलिस की अभिरक्षा में बोल रहा था। व्यक्ति लंबे समय से फरार चल रहा था, इस पर स्थाई 2 वारंट निकाले गए थे। जब पुलिस के हत्थे आया तो घायल था, उसके रिश्तेदारों ने मारपीट करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उपचार कराने के लिए उसे अस्पताल लेकर पहुंची। यहां उपचार शुरू होने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस बात की खबर लगते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लहार SDOP पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। मामला भिंड जिले का है। लहार SDOP अवनीश बंसल ने बताया कि 48 वर्षीय रिंकू पुत्र देवी चंद्र विश्वकर्मा कुंवरपुरा निवासी है। इस पर SC ST एक्ट व एक अन्य मामले में 2 वारंट थे। रिंकू का जमीन को लेकर विवाद उसके मामा और अन्य रिश्तेदारों से चल रहा था। इस बात के चलते रिंकू ने अपने रिश्तेदारों के घर में आग लगाने का प्रयास भी किया था। इसी मामले को लेकर रिश्तेदारों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो जख्मी हो गया। पुलिस को उसके बारे में सूचना दी तो पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। एक्चुअली ये रिंकू विश्वकर्मा नाम के हैं। इनका 2 साल से ये बाबा बन गए हैं और घर पे नहीं रहते। इनके पिता हैं, वो भी बाबा हैं। इनका ज़मीन का विवाद चल रहा है अपने मामा और उनके लड़कों से, मतलब अपने भाइयों से। कल इन्होंने नशे में, जो भी इन्होंने गांजा पिया हो, शराब पिया हो, जैसा भी हो, कल इन्होंने नशे में क्या किया था कि अपने मामाओं के घर में, परिवार में, वहाँ पे इनका जो घूरा वूरा होता है, कंडे वंडे थे, उसमें आग लगा दी थी, जिसकी इनकी शिकायत रात को मिली थी। आज इनके जो ममाना पक्ष हैं, उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी और पुलिस को 100 पर सूचना दी कि हमने इसको पकड़ा है, आरोपी को, इसके खिलाफ वारंट हैं, तो आप इसको पकड़ लो। सूचना पे जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो ये वहाँ घायल अवस्था में गाँव में मिला है, जिसका पुलिस ने विधिवत वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के बाद उसमें ये स्पष्ट रूप से कह भी रहा है अपना रिंकू कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, शाम तक मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मारपीट ज़्यादा मात्रा में करी गई थी। तो वहाँ से पुलिस जब इनको लेके आई है तो उसकी ख़राब हालात को देखते हुए उसको बकायदा जूस वूस पिलाया है, फ्रूट खिलवाया है और मेडिकल करवाया है उसका। मेडिकल करवाने के बाद ये इसको लेके आए थे, इसके 2 स्थायी वारंट हैं एक्चुअली, एक 2020 का है और एक उसके पहले का है। तो उसको फिर कार्रवाई के लिए, इसकी ओर से कायमी करने के लिए, इसकी तरफ से जो भी कार्रवाई होती है लीगल कार्रवाई के लिए, इसी बीच में ये अस्पताल में वहाँ कोलैप्स हो गया है। कोलैप्स होने के बाद फिर इस पर लाए गए, बचाने का प्रयास किया गया, उसको CPR वगैरह भी दिया गया पर उसको बचाया नहीं जा सका। तो प्रथम दृष्टया इसके पिता इसके साथ थे पूरे समय, तो उसके पिता की रिपोर्ट पर से हमने मामा और उनके परिजनों के विरुद्ध अपराध कायम किया है।